एक सवाल पूछा है, कोई व्यक्ति होगा वो पत्नी से और बच्चों से दुखी है, भाई बताइए कैसे कैसे सवाल है। उसने लिखा कि मेरी पत्नी और बच्चे बात नहीं मानते, एक छोटा सा व्यवसाय करता हूं, फैक्ट्री के लोग भी मेरी बात नहीं मानते, मैं चाहता हूं कि वो लोग आकर आपकी कथा सुने ताकि वो मेरी बात मानने लगे। भैया उनकी चोट, पहले तो तू मेरी सुन, तुझे बात मनवानी क्यों है, तू क्यों चाहता है कि लोग तेरे पिता होने के कारण तेरी बात सुने या कंपनी के ओनर होने के बाद सुने। और यहां बैठे जितने माँ बाप बैठे, उनसे कहना चाहता हूं, अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों की आंखों पर मत डालिएगा, उनकी पलकों को भारी मत करिए, उन्हें उड़ने दीजिए, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएं। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी बात सुनी जाए, और तुम इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम खुद को इस सब का ओनर समझते हो, और उज्जैनी में रहकर अगर ओनर समझते हो तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि ओनर तो एक ही है सुबह जिसकी भस्म आरती में भस्म उड़ती है। तुम्हारी मेरी सांसों का ओनर वही है, तुम्हारी मेरी संपत्ति का ओनर वही है, तुम केवल कस्टोडियन हो, तुम्हें केवल इतने समय के लिए किराएदार रखा गया है। लाल किले पर धर्म और मानवता के लिए अपना शीश देने वाले दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पूज्य पिता गुरु तेग बहादुर जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, तो मैंने टिप्पणी लिख दी कि आंखों से आंसू आ रहे हैं दृश्य देख के। तो विपक्षी पार्टी के एक व्यक्ति ने मुझे टैग करके पूछा, भाई तू क्यों खुश है, तुझे तो बुलाया भी नहीं। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं खुश हूं कि मुझे बुलाया नहीं है, दुखी हूं, मैं इसलिए अंदर तक प्रसन्न हूं कि सत्ता के नशे में जिस औरंगजेब को यह भ्रम था कि वो एक साधु का शीश उतरवा देगा, आज उसी साधु का यश उसी औरंगजेब के खानदानियों के लाल किले पे गूंज रहा। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको मालिकाना हक मिल गया हो, लेकिन ध्यान रखना यह सदा नहीं रहेगा। मैंने तो इसको जीकर भी देखा है, अहंकार कैसे आता है, जो लोग जीवन चलाने के लिए उधार मांगते थे वो हमारे संयोजित श्रम के कारण शक्तिशाली हो गए, तो मैंने अहंकार में देखा उनको कैसे आता है। लेकिन मुझे उत्साही जी की पंक्ति याद आती है, जब भी मैं ऐसे किसी व्यक्ति को देखता हूं जो सत्ता के कारण, पैसे के कारण, शरीर के कारण, किसी कारण भी अहंकार में हो, तो मेरे मुंह से ये पंक्ति निकलती है कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं, और ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं सब घर बदलते रहते हैं। रावण को भी यही अहंकार था कि मैं मालिक हूं, मैं जो करूंगा सबका मालिक मैं हूं। राम और रावण में अंतर बताना हो तो केवल एक शब्द में बता देता हूं, राम के पास जो है वो पर्याप्त है, जो उन्हें प्राप्त है वो पर्याप्त है, और रावण के पास सब कुछ है फिर भी पर्याप्त नहीं है। एक वलकल में घूमने वाले तपस्वी की सुंदरी पत्नी हमारी मां भारतेश्वरी मैथिली नंदिनी अयोध्या की राजकुमारी को देखकर केवल वर्णन सुनकर वो विचलित हो गया कि मेरे पास होनी चाहिए। अलग अलग राम कथाएं हैं, देखिए इनमें शंका मत करिए और लड़िए भी मत। 250 से अधिक राम कथाएं हैं पूरे विश्व में, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, आपको जो अच्छा लगे रख लीजिए, जो ना लगे कहिए कि हम नहीं मानते। देखो जो भी चीज जीवन में उतारने के लिए मुश्किल हो
सबसे अच्छा तरीका है उसे ये कह दो, अरे तो भगवान कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। गांधी के मार्ग पर चलना कठिन था तो हर शहर में एक गांधी मार्ग बना दिया गया कि इस पे चल लो। राम जैसा जीवन बनाना, राम जैसा परिवार बनाना कठिन है, बोले वो तो भगवान है, वो तो कर सकते हैं। नहीं, आत्म जीवन में उतारना पड़ेगा, अपने अंदर उतारना पड़ेगा। तो जिस भी मेरे मित्र ने ये शंका जाहिर की है कि मेरी बात नहीं मानते घर वाले, उससे कहना कि राम कथा से सीख। ओनर मत बन, कस्टोडियन बन, इसका उत्तराधिकारी बन। यह शिप्रा का जो जल बह रहा है, इसके एक किनारे पर अगर तुम्हें एक जमीन का टुकड़ा मिल जाए तो क्या शिप्रा का उतना जल तुम्हारा है? नहीं, ये प्रकृति माँ का है। मैं जहां रहता हूं केवी कुटीर में, कुटिया बनाकर गौशाला है हमारी, बहुत सारी गाय माता रहती हैं, गंगा है, यशोदा है, बहुत सारी हैं अलग अलग, राधा है, अभी राधा की बिटिया हुई है। तो मैं एक दिन घूम रहा था तो कोरोना के दौरान, तो मुझे एक सांप दिखाई दिया, अरड़ में जा रहा था, अरड़ के खेत में। तो मैंने उसका वीडियो बना के ट्वीट कर दिया। तो दिल्ली की एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, आपके खेत में सांप भी है? मैंने कहा नहीं, सांप के खेत में मैं हूं। ये तो खांडव प्रस्थ के समय से यही रह रहा है। जब अर्जुन आए थे तब भी यही था। मेरे ऊपर सरस्वती ने कृपा की, उनकी छोटी बहन लक्ष्मी को भी दया आई कि लड़का इतने खराब गले में 102 बुखार में बोल रहा है, इसे कुछ पैसे दे दो। तो मैंने वो भूमिखंड खरीद लिया। अब 100 वर्ष बाद मेरे परिवारों को पता नहीं, मेरी बेटी के बेटे, उसके बेटे, हो सकता है वो इसे ना रखें। What that old grandman did with this thing, you know? हो सकता है कि ईश्वर मुझसे ऐसा कुछ करा ले कि वो स्मारक बन जाए, लोग देखने जाया करें कि कुमार विश्वास कहाँ रहता था, कैसे लिखता था। हो सकता है कि फिर ये कोई खरीद ले। मैं केवल यहां किराएदार हूं, और जब तक ये बोध मुझ में रहेगा, वहां लगे हुए आम के पेड़ फल देते रहेंगे। जिस दिन मुझ में ये बोध आ गया कि मैं इसका मालिक हूं, उस दिन ईश्वर मुझे कह देगा कि बेटा अब शुगर 9.3 हो गई, अब रहने दे, आम मत खा। हम सबका यही समस्या है, हम बच्चे की ओनरशिप चाहते हैं, हम परिवार की ओनरशिप चाहते हैं। एक छोटी सी आपको अपने जीवन की बात सुनाता हूं, सच्चा किस्सा, मैंने किसी से साझा नहीं किया। मेरी माँ भी बैठी है, मेरी बहन भी आई है जो हिंदी की विदुषी है, प्रोफेसर है, सुनने आई है दिल्ली से। मेरा जब विवाह हुआ 1996 में, प्रेम विवाह था। प्रेम विवाह में आप जानते हैं कि पति पत्नी बहुत भावुक होते हैं, जब तक घर नहीं लौटो खाना साथ खाएंगे टाइप, कैसे बाद में तो सबको पता चल जाती है कि पता नहीं इसको कम मिलेगा, हमें कम मिलेगा, खा के छुट्टी करो, शुरू शुरू में रहता है। मैं कॉलेज में पढ़ाता था, गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, वो भी पढ़ाती थी, मैं भी पढ़ाता था। इसको खेलने दो, अगर ये रामकथा के प्रांगण में खेल रही है तो निस्संदेह इसकी आयु भी रामकथा के समान ही होगी। यश, इसी में तो राम है, इसी में तो सीता है। तो मैं भरतपुर में रहता था, उस शहर में महीने में एक बार एक कवि गोष्ठी होती थी। तो मैं कवि गोष्ठी के लिए गया, पत्नी से कह गया कि 7 बजे की गोष्ठी है, 9 बजे तक आ जाऊंगा, थोड़ा लेट खाना खाएंगे। जाड़ों का दिन था, वहां लोग 7 बजे सो जाते हैं, छोटा सा ग्रामीण सा जिला है। एक मारुति 800 मेरे पास हुआ करती थी, मैनुअल स्टीयरिंग वाली, उतर के मोड़नी पड़ती थी। तो मैं लेके चला गया साहब। उस दिन किसी अतिथि के कारण कवि गोष्ठी 8:30 बजे शुरू हुई, 7 बजे वाली। और उस दिन जो कवि आए थे 3-4, उन्होंने रंग ज्यादा जमा दिया,
लंबी हो गई, मुझे भी जोश चढ़ा, मैंने भी दो तीन कविताएं सुना दी। 11 बजे मैं निवृत्त हुआ। अब मैंने घड़ी देखी तो मेरे हृदय में वही कंपन पैदा हुआ, हाँ, जो किसी नवविवाहित पुरुष के मन में पैदा होता है कि आज जीवन संकट में है। तो मैं घर पहुंचा, श्रीमती जी ने द्वार खोला, सरकार का मकान था, बड़ा लंबा चौड़ा सा। उनके चेहरे पर जो लाली थी और जो थोड़ा तनाव था, उससे मुझे लग गया कि ये नाराज हैं। तो मैंने उन्हें अपने सच्चे बहाने बताए कि भाई ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। मैं उत्तर उसी व्यक्ति को दे रहा हूं जिसने मुझसे पूछा है कि घर वाले बात नहीं मानते, बेटा बात नहीं मानता, उसी को बता रहा हूं। मैंने कहा कि वो देरी हो गई। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। मैं तनाव को कम करने के लिए किचन में खुद काम में लग गया। करना भी चाहिए, पुरुषों को क्यों ऐसा सोचना चाहिए। तो मैंने सामान उठाया। उस जमाने में एक प्लास्टिक का बड़ा सा कवर आता था, गोल सा, जिसे बेड पर रख के खाना खाते थे, याद है आपको, हर नौकरी पेशा आदमी के घर में होता था वो। बेड पे बिछा लिया, चावल लाके रख दिए, पानी लाके रख दिया। पहला टुकड़ा मुंह में दिया वीर जी के दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जाके देखा तो 11:30 बजे हमारे कॉलेज के जो हेड क्लर्क साहब थे शर्मा जी, वो शॉल लपेटे हुए मुंह तक कांपते हुए उन्होंने दरवाजा खुलवाया। विश्वास जी, विश्वास जी, बहुत समस्या हो गई। आयु में बड़े थे, 58 साल के थे, मैं तो 26 साल का था, मेरे से दुगने थे। मैंने कहा जी अंकल, बोलता था जी अंकल, बताएं क्या हो गया। उनका बेटा था पप्पू। बोले विश्वास जी, पप्पू की बहू को ना पेन उठाए, हालांकि 15 दिन बाद ड्यू था, पर आज ही पेन हो गए, तो अगर आपकी गाड़ी मिल जाती है अस्पताल जाने के लिए। मैंने कहा, मैं शर्मा जी बस अभी आया, मैं अंदर गया, कपड़े पहनने में देर लगती, तो मैंने एक ओवरकोट था लंबा सा, वो मैंने पहन लिया और एक मफलर बांध लिया। मैंने कहा चलिए शर्मा जी, मैंने पत्नी से कहा कि सुनो, वो पप्पू की बहू को ना दर्द होना शुरू हो गया तो मुझे छोड़ गया। बोली खाना? मैंने कहा तुम खा लो, मैं आके खाता हूं। मैं पप्पू की बहू को 11:30 बजे लेकर अस्पताल पहुंचा। 12 बजे सरकार के अस्पताल, डॉक्टर कहाँ है, स्ट्रेचर कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा था। आधा एक घंटे में चीजें प्रकृतिस्थ हुई, पप्पू की बहू को नर्सें लेबर रूम में ले गई। 1 बज गया। अब पप्पू की मम्मी मुझसे बोली, भाई साहब एक छोटी सी समस्या है। मैंने कहा जी बताइए। हम और पप्पू के पापा तो यहाँ आ गए, पप्पू तो घर ही रह गया। और एक गर्म पानी का फ्लास्क भी लाना है भाई साहब, ताकि बहू को जब कुछ हो जाए तो उसे गर्म दूध मिल जाए। मैंने कहा जी भाभी जी, जाता हूँ। मैं गाड़ी लेकर गया, श्रीमान पप्पू जो पिता बनने वाले थे उनको कहा कि अब आप ही पप्पू नहीं रहेंगे, परिवार में नव्य पप्पू के आगमन की सूचना है, आप विराजे। और एक फ्लास्क भाभी जी ने बोला है वो लेके चले। वो फ्लास्क लेके पप्पू जी बैठे, हम 2:30 बजे पहुंचे, 1:30 बजे। उसके बाद वो 1 बजे 2 बजे के आसपास किलकारी अंदर गूंजी, मंगल ध्वनियां बाहर आई, बेटा हुआ, बेटा हुआ, सबको बधाई हुई। तो मुझसे शर्मा जी ने कहा, कुमार जी आप घर चले जाइए, हम तो सुबह तक यहीं रहेंगे। मैं 2:30 बजे घर पहुंचा तो पत्नी ने दरवाजा खोला। मैंने कहा पप्पू के बेटा हुआ है। बोली अच्छा। मैंने कहा खाना खा लेते? बोले आप खा लीजिए, मेरा तो मन नहीं है। मैं समझ गया कि ये नाराज है। मैंने कहा मेरा भी मन नहीं है, वहां मैंने बिस्किट वगैरह खा लिए थे चाय के साथ। हम दोनों सो गए। सुबह उठे, संडे का दिन था, 10-11 बजे उसने पराठे वराठे बनाए। वो जो बंगला सरकार का था उसके लॉन में हमने कुर्सी बिछा के पराठे खाने शुरू किए, तो उसके चेहरे पर रात का गुस्सा था। मेरा जो भाई कह रहा है कि फैक्ट्री के लोग मेरी बात नहीं मानते, बेटे इज्जत नहीं करते, तुम सुनो। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मुझे पता है कि तुम कल की बात के लिए नाराज हो। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, अरे आपको तो भैया सभी का करना है, आप ही सबसे बड़े धार्मिक हैं। तो मैंने उसको एक बात कही जो मैं आपसे भी कहता हूं। मैंने कहा वो जो बिटिया है जिसका बच्चा हुआ है,
उसको 10 बजे दर्द शुरू हुआ होगा, आधा घंटे तो उसने सहन किया होगा, आधा घंटे बाद पप्पू को जगाया होगा, आधा घंटे तक पप्पू ने भी कोशिश की होगी कैसे दर्द कम हो, 11 बजे जब दर्द असहनीय हो गया तो पप्पू अपनी मां के पास गया कि मम्मी बबली को दर्द हो रहा है। फिर माता जी ने अजवाइन दी होगी, गर्म पानी दिया होगा, जब ना सहा गया तो 11:30 बजे उन्होंने अपने पति को कहा होगा जगा के नींद से, क्योंकि वो तो 7 बजे सो जाते हैं, कि सुनो गाड़ी का इंतजाम करो, बबली का टाइम आ गया बच्चे का। झजोड़ कर उठते हुए नींद में बैठे हुए शर्मा जी ने जब आंख खोली और उन्हें समझ में आया कि कार चाहिए, तो त्रैलोक्य के स्वामी की तरफ उन्होंने देखा कि कार, स्वामी ने कहा वो कुमार, मैंने उससे कहा कि इस परिसर में 300 प्रोफेसर हैं, 150 गाड़ियां हैं, सब मुझसे सीनियर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन उस त्रैलोक्य के स्वामी ने कहा वो एक लड़का है, उसे मैंने अभी गाड़ी दिलाई है और उसको बोलो वो गाड़ी लेके जाएगा, मालिक के कहने पर अगर काम करना बंद कर दूंगा तो कल मालिक नौकरी से निकाल देगा। मैंने कहा कि मैंने तो अभी 6 महीने पहले शहर में ज्वाइन किया है, यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसी कॉलेज में पढ़े थे, एमए करके यहीं प्रोफेसर हो गए और यहीं पूरे जीवन पढ़ाया और पढ़ाएंगे, और कॉलेज से ठीक पीछे शमशान है, यहीं से महाकाल लेके भी जाएगा। लेकिन उस त्रैलोक्य के स्वामी ने, उस राघवेंद्र सरकार ने, उस राम ने उनके मस्तिष्क में जो संकेत दिया, अगर तुमको सीमेंट की एजेंसी मिल गई है और अगर तुम आगे किसी का मकान बनने के लिए, किसी मंदिर के निर्माण के लिए, किसी अस्पताल के लिए उसे आगे नहीं दोगे तो वो सीमेंट पत्थर बन जाएगा, ना तुम्हारे काम आएगा ना किसी के काम आएगा। तो जो मेरा मित्र इस बात से चिंतित है उससे अनुरोध है कि ओनर मत बन, कस्टोडियन बन। दुनिया का सबसे बड़ा डीएनए, दुनिया का सबसे पुराना राजवंश मेवाड़ है। महाराणा प्रताप ने कभी स्वयं को राजा नहीं लिखा, आप चले जाइए आज भी पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि राजा तो एक लिंग है, हम उसके मुनीम है, दीवान, उसने हिसाब किताब हमको पकड़ाया, हम हिसाब किताब लिख रहे हैं, इसलिए वहां राजा नहीं कहा जाता है, एक लिंग दीवान। मैं भी महाराणा के जन्मदिन पर जब लिखता हूं तो यही लिखता हूं, एक लिंग दीवान। जब तक प्रभु द्वारा दी हुई शक्तियों के प्रति, ईश्वर द्वारा दी गई अनुकंपाओं के प्रति इस कृतज्ञता भाव के साथ रहोगे कि तुम इसके कस्टोडियन हो, तब तक भगवान तुमको नवाजेगा। और जिस दिन इसके ओनर बनने की कोशिश करोगे, बड़े बड़े ओनर नहीं बने इसके, तुम क्या बनोगे, बड़े बड़े राजा चलेंगे।